नमस्कार आदाब, क्राइम पेट्रोल डायल 100 के ब्लैक हेडलाइंस अध्याय के हमारे कल के केस के दूसरे और आखिरी भाग में आज आप सबका स्वागत है। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि कैसे कांस्टेबल की सतर्कता से एक ऐसा हाई प्रोफाइल केस खुला जो 3 साल से दबा हुआ था। रीना अरोड़ा का मर्डर हो चुका था और शक के दायरे में उसके परिवार के ही लोग थे। इस केस में रोज चौंका देने वाली बातें सामने आ रही थी। तो तुम्हारा कहना है कि देवयानी रीना की बहन नहीं, रीना की मां है? झूठ बोल रहे हो तुम। खुद को बचाने के लिए पुलिस को गुमराह कर रहे हो। नहीं सर, I'm not lying. रीना के साथ 2 साल रिलेशनशिप के बाद मैं और रीना लिव इन में रहने लगे थे। I was madly in love with her. मैं अपनी पूरी लाइफ उसके साथ बिताना चाहता था। राइट। मिस रीना अरोरा, तुम एक बिगड़े हुए रूड एरोगेंट इंसान के साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहोगी? रीना, रीना, I'm really sorry. क्या वो कुछ गलत किया मैंने? Is everything okay? रीना बोलो ना, रीना, 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 रीना क्या हुआ? क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती? क्या तुम मेरे साथ खुश नहीं हो? कोई प्रॉब्लम है रीना? बताओ मुझे। रोहन, बहुत खुश हो तुम्हारे साथ। तुम्हारे जितना कभी मुझसे किसी ने प्यार ही नहीं किया। मैं रोहन तुम्हारे साथ कोई भी कमिटमेंट करने से पहले मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या? रोहन, देवयानी मेरी बहन नहीं है। मतलब? देवयानी मेरी और मोंटी की माँ है। She's my biological mother, उसने जन्म दिया है मुझे। तो इस बारे में तुमने अपने डैड पैट्रिक बैनर्जी और देवयानी से बात की? की थी, ऑफ कोर्स की थी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? Have you lost your mind, you gone cuckoo? गुस्से और नफरत से तुम्हारी बात नहीं बनी तो तुम देवयानी पे ऐसी घटिया एलिगेशन लगा रहे हो? Where from? No wonder, Dad. आपको मेरी बात तो झूठी लगेगी ना? एक काम क्यों नहीं करते? Do one thing. Why don't you ask her only? आप अपनी उस प्यारी वाइफ से ही पूछिए ना क्या कि सच क्या है। What's the matter? क्या बात है? वो रीना तुम्हारी बेटी? What? Just asking. और ऐसा आपसे किसने कहा? I'm sure. रोहन ने कहा होगा। Why do you hate me so much, Rohan? इतनी नफरत क्यों करते हो मुझसे? मैंने सोचा आज नहीं तो कल हम सब फैमिली की तरह रहेंगे। लेकिन अगर तुम ऐसी बातें करोगे तो तुम तो मेरा और पैट्रिक का रिश्ता ही तोड़ दोगे। और जस्ट शट अप, ओके? पर ये नकली आंसू ना मेरे सामने भाने की तो जरूरत नहीं है, प्लीज। यू नो व्हाट, रीना ने खुद मुझे ये बात बताई है कि तुम उसकी माँ हो। तभी ही तुमने मेरी बहन को भी अपने छांसे में फांस लिया। बहन, बेटी, तुम्हारी बेटी, योर डॉटर, डैम इट। हाँ बोलो। पैट्रिक से बात करो और उन्हें बताओ कि तुम्हारा और रीना का और मेरा रिश्ता क्या है। अरे पैट्रिक जीजू, आपको तो पता ही है ना कि देवयानी दीदी मेरी और रीना की बड़ी बहन है। पर आप पूछ क्यों रहे हो? हैप्पी कि और कोई एलिगेशन लगाना बाकी है? बस सुन, एक शब्द और नहीं तो भूल जाऊंगा कि तुम मेरे बेटे हो।
ओके बेबी, यू नो मी ना, हाँ, आई लव यू सो मच, आई ट्रस्ट यू मोर देन आई ट्रस्ट माय सेल्फ, यू नो दैट ना? रोहन, स्टॉप हेटिंग मी प्लीज, मैं पूरी कोशिश करती हूँ तुम्हें अपना बनाने के लिए, इस फैमिली को अपना बनाने के लिए. अपने दिमाग से मेरे लिए नेगेटिविटी निकाल दो. I don't deserve this. I don't deserve this. Baby, please. Baby, सुनो. Baby, listen to me, please. पापा, पापा, मेरी बात सुनो. Don't cry, please. मुझे कोई आइडिया नहीं कि रोहन ये सब क्यों कर रहा है. Believe me. But I know, baby. ये सब कुछ रीना रोहन से करवा रही है. क्योंकि मैंने उनके रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं किया ना, तो वो हम दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना चाहती है ताकि मैं उन दोनों के रास्ते से हट जाऊं. She's too smart. इसीलिए मैं नहीं चाहती कि रीना रोहन से मिले. Anyways, I don't care what people think about me, but as long as you trust me, आपको मुझ पे भरोसा है. Of course, my babe. I love you. Love you. तो ये मोंटी रीना का मामा है. मोंटी रीना का छोटा भाई है, यानी कि दिव्यानी का बेटा. भाई एक चाय बोल. मोंटी दिव्यानी का बेटा है जी. तो इतने दिनों से दिव्यानी ने अपने दोनों बच्चों को दुनिया से छुपा के क्यों रखा? सर, मोंटी दिव्यानी के पेरेंट्स के साथ चंडीगढ़ के पास पंचकुला में रहता है, और जब दिव्यानी ने रीना को धमकी दी कि वो भी उसे पंचकुला वापस भेज देगी, तो इस बात पर रीना ने चुप्पी साध ली. और सर, मुझे भी उसके डिसीजन का सपोर्ट करना पड़ा, क्योंकि सर मैं उसे किसी भी हालत में छोड़ना नहीं चाहता था. आई डिडंट वांट टू लूज हर. ये मोंटी का नंबर है. सर, मुझे इस दिव्यानी से ज्यादा पैट्रिक पर हैरानी होती है. आई मीन, दिव्यानी ने अपने दोनों बच्चों को अपना भाई बहन बना के रखा और पैट्रिक को पता भी नहीं चला. वर्मन, हमारा कानून ही नहीं, प्यार भी अंधा होता है. लेकिन सर, यहाँ तो प्यार मंद बुद्धि भी है. रीना कई सालों से घर से गायब थी, उसने पता करने की कोशिश भी नहीं की. ये बात तो है. सर, राजीव खुराना को दिल्ली से ले आया. मैंने तो अपना बयान दे दिया, फिर आप लोग मुझे इस तरह क्यों घूर रहे हैं? और मुझे कुछ और नहीं पता. वर्मन, मैंने सुना है कि मियाँ बीवी एक साथ रहते हैं तो एक दूसरे की परछाई जैसे हो जाते हैं. तुम और दिव्यानी तो सोचते भी एक जैसा हो. मतलब कैसे माँ बाप हो, अपनी बेटी को मार दिया. मेरी बेटी जिंदा है और वो यूएस में. अभी तुमने स्टेटमेंट दिया कि तुमने रीना को मार डाला, अब कह रहे हो जिंदा है और यूएस में है. रीना मेरी बेटी नहीं थी, मेरी बेटी विनी है. दिव्यानी की पैट्रिक से शादी होने के बाद वो पैट्रिक ने उसे गोद ले लिया. रीना किसकी बेटी है? जिसके साथ दिव्यानी पहले रहती थी. सच बोल रहा था. देखिए, मुझे लगा कि आप लोगों को ये सब बातें मालूम होगी. मैं सच बोल रहा हूं. अब सारी कहानी सच सच बता, वरना दिव्यानी की पहली शादी सरबजीत मलिक के साथ हुई थी. उसी से उसे रीना और 1.5 साल के बाद एक बेटा हुआ था. दिव्यानी जिंदगी में बहुत तरक्की करना चाहती थी, बहुत ऊंचा जाना चाहती थी. ऐशो आराम की जिंदगी उसे बहुत पसंद थी, इसलिए उसने सरबजीत मलिक को छोड़ दिया और अपने बच्चों को माँ बाप के पास छोड़ दी. 1990 में वो दिल्ली आ गई. एक पार्टी के दौरान हमारी मुलाकात हुई. हमारी मुलाकात दोस्ती में बदल गई और दोस्ती शादी में. 1994 में मेरा बिजनेस ठप पड़ गया. दिव्यानी मुझे हमेशा खरी खोटी सुनाया करती थी इस बात की. मैंने बहुत बर्दाश्त किया, लेकिन एक दिन मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती है कि मैंने तुमसे शादी की. मुझे लगा था हम दोनों मिलके बहुत कुछ अचीव कर लेंगे, लेकिन नहीं, तुम तो अपनी दुनिया में ही रहते हो, तुम्हारी पार्टी और गोल्फ,
तुम्हारी जरूरतें पूरी करते करते मेरा बैंक अकाउंट खाली हो गया, मैं बैंकरप्ट हो गया, फिर भी तुमको मुझसे शिकायत है। लगता है तुम्हें मेरी बातें समझ में नहीं आती, और तुम्हें समझाने के लिए मेरे पास और कुछ कहने को बाकी नहीं रहा है। और हमारा डाइवोर्स हो गया, लेकिन डाइवोर्स के बाद भी हम दोनों एक दूसरे से मिलते थे, हमें बराबर बातें होती थी। फिर एक दिन अचानक उसका फोन आया, उसने कहा कि वो अपने रास्ते से रीना को हटाना चाहती है। रीना को मारकर तुम्हें क्या मिलने वाला था? दिव्यानी की खुशी। दिव्यानी में एक अजीब सा चार्म है, कमाल की कशिश है, कोई भी उसकी तरफ खींचा चला आता है। उसने जो भी कहा मैंने मान लिया और मैं तैयार हो गया। कौन है? मैं बेंगलुरु से पीएसआई वर्मन बात कर रहा हूँ। हाँ सर, हाँ सर, बोलिए ना, क्या काम था मुझसे? तुम रीना अरोरा को जानते हो? हाँ सर, रीना तो मेरी बहन है सर, उसने कुछ किया है? उसका मर्डर हो गया। क्या? हेलो। हाँ सर, सर उसका मर्डर कैसे? सर आपने देवयानी बैनर्जी को बात बताई? देवयानी बैनर्जी तुम्हारी माँ ना? नहीं नहीं सर, वो तो मेरी बड़ी दीदी है सर। लेकिन हमने तो सुना है कि देवयानी तुम्हारी और रीना की माँ है। नहीं नहीं सर, सब बेफिजूल की बात है सर, वो मेरी बड़ी बहन है, सबूत है मेरे पास, आप बोलो तो लेके आता हूँ मैं। देखो, तुम्हें हमारे पास बेंगलोर आना होगा, हमें तुमसे कुछ पूछताछ करनी है। सर जो आप पुलिस प्रोटेक्शन मिलेगी? प्रोटेक्शन? तुम्हें किससे प्रोटेक्शन चाहिए? देवयानी से, वो मुझ पे भी हमला कर सकती है। देवयानी अभी कस्टडी में है, तुम आ जाओ। नहीं सर, आप जानते नहीं वो कितनी खतरनाक है सर, वो कुछ भी कर सकती है, कुछ भी करवा सकती है। एक बार पहले भी उसने मुझे मारने की कोशिश की थी। ठीक है, घबराओ मत, तुम आ जाओ। एक परिवार से एक लड़की गायब हो जाती है और परिवार के बाकी लोगों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अचानक क्यों और कहां गायब हुई ये जानने की कोशिश भी कोई नहीं करता। सब लोग अपने स्वार्थ में इस तरह से डूबे हुए थे कि रिश्तों में से प्यार गायब हो चुका था। रोहन और राजीव का दावा कि रीना देवयानी की बेटी थी, मोंटी ने इसे झूठा साबित कर दिया। पुलिस अब किसकी बात पर यकीन करे और किसकी बात पर नहीं, ये खुद पुलिस भी नहीं समझ पा रही थी। एक तरफ सुरेश, राजीव और रोहन का कहना है कि देवयानी ने रीना का मर्डर किया, जबकि देवयानी कह रही है कि रोहन राजीव और सुरेश के साथ मिलकर उसको फंसाने की कोशिश कर रहा है। अब हमारे लिए यह समझना सबसे पहले जरूरी है कि देवयानी और रीना के बीच में रिश्ता क्या था, मां बेटी का या बहन का। वर्मन, देवयानी के डीएनए सैंपल लेके जो लाश व्हाइट फील्ड में मिली थी उसके डीएनए से मैच करवा के देखो। ओके सर। सूरत कुमार, रोहन को बुलाओ। सर। मुझे लगा कि यहाँ खुले में तुम जरा खुल के बात कर पाओ। जानना क्या चाहते हैं? हमारी मोंटी से बात हुई, उसका कहना है कि देवयानी रीना की बहन है। मोंटी देवयानी से डर रहा है जैसे रीना डरती थी। ये भी तो हो सकता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, खुद खून करके सारा ब्लेम देवयानी पे डाल रहे हो। नहीं, मैंने रीना को नहीं मारा है। इनफैक्ट मुझे तो डर था कुछ तो गलत होने वाला है। और ऐसा डर क्यों लग रहा था? मेरा करियर अच्छे से नहीं चल रहा था। रीना मेट्रो रेल में काम करती थी, ठीक ठाक कमा रही थी। इनफैक्ट हम में से वो ही थी जो घर को सपोर्ट कर रही थी, घर को चला रही थी। हाँ रोहन, आई नो, बट हम अभी शादी कैसे कर सकते हैं? तुम जानते हो ना, सिर्फ मेरी सैलरी में हमारा घर नहीं चल सकता, आधी सैलरी तो रेंट में चली जाती है। हाँ, अगर तुम्हारी एड एजेंसी चल रही होती तो बात और थी। डोंट वरी बेबी, ट्रस्ट मी,
एक बहुत बड़ी एड फिल्म की बात चल रही है। जैसे ही अप्रूवल मिल जाएगा ना, तुम देखना, हम बहुत जल्द एक नया फ्लैट लेंगे। रोहन, तुम कब से यही बात बोल रहे हो, यू नो ना? वैसे मैंने मेल किया है दिव्यानी को 2 BHK फ्लैट के लिए, पर उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है। कल बेंगलुरु आई है वो, लेट्स सी, शायद कुछ वर्कआउट हो जाए। एंड देन दिव्यानी का कॉल आया। किस दिन की बात है ये? 24 अप्रैल 2012 की शाम, और उस दिन मैंने अपनी रीना को लास्ट टाइम देखा था। रोहन, रोहन, दिव्यानी का कॉल है। क्या? वेट, हेलो। हाय माय लिटिल सिस्टर, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। तुम्हें मेरा मेल मिला? हाँ मिला, और जैसा तुम चाहती हो उस बारे में बात करने के लिए मैं तैयार हूँ। रियली? यस डार्लिंग। तो हम 6:30 बजे मिले तुम्हारी कॉलेज के पास, थोड़ी बातचीत भी हो जाएगी और थोड़ी शॉपिंग भी। एंड वन मोर थिंग, मैं चाहती हूँ कि कुछ दिनों के लिए तुम मेरे साथ रहो, इसलिए अपनी पैकिंग उस हिसाब से कर लेना। ओके, बाय डार्लिंग। रोहन, I can't believe वो मान गई। I'm so happy, I'm so happy यार। Oh God, रीना, I don't know why but मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है यार। ये दिव्यानी इतनी प्यार से बातें करने वालों में से नहीं है। वो तुम्हें शॉपिंग पर ले जाना चाहती है, तुम्हारे साथ रहना चाहती है। Something is fishy. Nothing is fishy. तुम ना बहुत ज्यादा ओवर प्रोटेक्टिव हो मुझे लेकर, इसीलिए इतना सोच रहे हो। डोंट थिंक सो मच, इंसान का दिल बदलते ना वक्त नहीं लगता है, सो जस्ट रिलैक्स। ओके, एंड वैसे भी हमें फ्लैट की जरूरत तो है ना। कहाँ है वो? आ गई। ये कौन सी गाड़ी लेकर आई है? हमें क्या करना है, दिव्यानी खुद आई है ना बस। है, चलो मैं चलती हूँ। बाबू, उससे बात हो जाए ना प्लीज, मुझे कॉल करना। लव यू। फिर क्या हुआ? एक घंटे बाद अराउंड 7:45 PM को जब मैंने उसे कॉल किया, उसने फोन नहीं उठाया। मुझे लगा कि शायद बिजी होगी, फ्री होकर कॉल कर लेगी, लेकिन उस दिन के बाद से मैंने उसकी आवाज नहीं सुनी सर। मैंने उसे कई बार फोन किया और कुछ नहीं हुआ। रीना का मैसेज? पुलिस के पास गए थे तुम? जब 2 दिन तक रीना की कोई खबर नहीं मिली तो मैं बहुत परेशान हो गया, और तब मैं पुलिस स्टेशन गया। तुमने देवयानी से इस बारे में नहीं पूछा? उस वक्त नहीं, क्योंकि उस वक्त डैड घर पर नहीं थे, और मैं देवयानी से कोई अकेले में बात नहीं करना चाहता था। वो औरत पता कैसी है, चीजों को घुमा फिरा देती है और किसी को पता भी नहीं चलता। जब डैड कुछ दिनों के बाद घर पे आए तब मैं वहां गया था। फॉर गॉड सेक स्टॉप ब्लेमिंग मी फॉर एवरीथिंग। वो तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती थी, that's why she dumped you. उसने तुम्हें छोड़ दिया। No way. मैं नहीं मानता कि रीना मुझे छोड़कर जा सकती है। She loves me. मैं उससे प्यार करता हूं। Okay, fine. बुलाओ उसे। अगर वो ये बात मेरे सामने आकर कहती है ना, तो आई प्रॉमिस मैं कभी उसके बारे में बात नहीं करूंगा। रीना, रीना, बुलाओ उसे। वो यहां नहीं है। तो कहां है वो? हाँ, इस सूटकेस के अंदर। I don't know. मुझे नहीं पता। देखो मुझे बताओ कि रीना कहाँ है। रीना US चली गई है। What? She's gone to the US. मैं नहीं मानता डैड। वो नहीं चाहती थी कि हम तुम्हें ये बात बताएं। अब तुम जान चुके हो तो प्लीज गॉड से छोड़ दो उसका पीछा। सर, मुझे पता था कि वो औरत झूठ बोल रही है, इसलिए मैं पुलिस स्टेशन गया मिसिंग कंप्लेंट करने, और मेरे बहुत इंसिस्ट करने के बाद पुलिस ने NC लिखी, और फिर वो डैड के घर गए। सर चाय लीजिए। थैंक यू। साहब को भी।
No, thank you, darling. देखिए ऑफिसर, इसका खुद का कुछ काम तो है नहीं. मेरी बहन ही उसे पालती थी. She used to look after him. Then she got fed up. इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो यूएस जाके सेटल हो जाएगी. मैं उसकी बड़ी बहन हूँ. Obviously, मैं इसका सपोर्ट तो करूंगी ना. यूएसए में कहाँ रहती है? कोई कॉन्टैक्ट नंबर? वो नहीं चाहती थी कि कोई उसे कॉन्टैक्ट करे. बेसिकली वो अपनी जिंदगी जीना चाहती थी, अकेले लाइफ एक्सप्लोर करना चाहती थी. और उसने ये भी कहा था जब उसका दिल करेगा वो हमें कॉन्टैक्ट कर लेगी. तो कोई कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है उसका. ओह, कॉन्टैक्ट कर लेगी. सर, शी इज कम्प्लीटली लाइंग. झूठ बोल रही है ये औरत. सर, आप मेरी बात सुनिए. सर, रीना मुझसे प्यार करती है. सर, उसकी खुशी मुझसे है. One second. ये रहा उसका रेजिग्नेशन लेटर जो उसने बेंगलुरु में दिया था. बेंगलुरु मेट्रो रेल को भेजा था. ये रीना के सिग्नेचर है? सर, ये सिग्नेचर तो रीना के ही लग रहे हैं. सर, ये औरत धोखेबाज है. सर, मेरी बात मानिए सर आप. स्टॉप इट रोहन, जस्ट स्टॉप इट. एनीथिंग एल्स? ओके, थैंक्स. थैंक यू ऑफिसर. थैंक यू. थैंक्स. कहां जा रहे हैं आप? रीना के बारे में कौन पता करेगा? उसका क्या? अरे, रीना की सगी बहन जब खुद बोल रही है, सबूत दिखा रही है, तो हम क्या करें? वो तुमसे दूर रहना चाहती है. तुम दूर रहो, तंग करना बंद करो. चलो. आई वॉज हेल्पलेस सर. मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पाया. इतने सालों में एक बार भी मेरे दिल ने नहीं माना कि रीना मुझे छोड़कर जा सकती है. सर, आई एम 100% श्योर दिव्यानी ने ही रीना को मारा है. उसी ने उसका मर्डर किया है सर. प्लीज सर, डोंट लीव दैट वुमन. ये तारीख देख रहे हो? 30 अप्रैल 2012. रीना गायब हुई 24 अप्रैल. फिर ये एक हफ्ते बाद उसने रेजिग्नेशन क्यों और कैसे दिया? मेट्रो रेल के ऑफिस जाओ सर. सर, रीना काफी दिनों से ऑफिस नहीं आ रही थी तो हमने उसे कॉल किया. कॉल का उसने कोई रिप्लाई नहीं दिया तो हमने उसे मैसेज किया तो उसका जवाब आया कि वो बीमार है. कुछ दिनों तक फिर उसका कोई अता पता नहीं था. एक्चुअली कंपनी का लैपटॉप उसके पास था इसलिए हमने उसे दोबारा से मैसेज किया कि वो कब ज्वाइन कर रही है. तो फिर उसका रिप्लाई आया कि वो जॉब छोड़ रही है और आगे की पढ़ाई के लिए वो अब्रॉड जा रही है. हमने उसे मैसेज किया कि ठीक है, वो रेजिग्नेशन लेटर दे जाए और कंपनी का लैपटॉप एंड पॉलिसी. पर कुछ दिनों के बाद बदले में उसने रेजिग्नेशन लेटर मेल कर दिया. सर, एक मिनट, मैं आपको दिखाती हूँ. हाँ सर, ये रहा. बस. नहीं सर, एक्चुअली सॉफ्ट कॉपी हमारे कंपनी के पॉलिसी के अकॉर्डिंगली हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते. हमें हार्ड कॉपी चाहिए था उसके सिग्नेचर के साथ. हमने उसे मैसेज किया ही था. उसके कुछ दिनों के बाद ही एक पायल नाम की लड़की लैपटॉप और उसके साथ रेजिग्नेशन लेटर दे गई. ये पायल आपके ऑफिस में काम करती? नहीं सर, उसने बताया कि वो रीना की बड़ी बहन दिव्यानी की असिस्टेंट है. अगर रीना को 25 तारीख को मारा गया है तो वो सिग्नेचर फर्जी होगा. जरा उसके ईमेल अकाउंट का भी पता करो. और ये पायल, पायल के बारे में भी जरा पता लगाओ. सर, मैंने अपने आदमी को बोल दिया है पता करने के लिए. सर, मॉन्टे आ गया. उसने एक ही रट ला कर रखी है कि देवयानी उसके और रीना की बहन है. और सर, वो बेकार में तमाशा कर रहा है. जरा अच्छे से खातिर करो उसकी. सर सर, चल लेके जा इसे. चल. अरे अरे सर, ये मुझे कहाँ लेके जा रहे हो? अरे देखिए, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है. अरे अरे, मुझे बंद क्यों कर रहे हो? अरे अरे, मैंने किया क्या है? दिनेश साहब आ रहे हैं. अब तो तू गए सब. ये क्या है?
ड्रग्स करता है? नहीं सर, मैं ड्रग्स नहीं करता सर। छोड़ बोल रहा है। रीना को क्यों मारा तूने? सर मैं रीना को क्यों मारूंगा सर? सर रीना तो मेरी बहन है ना सर। अगर रीना को मारा ना तो सोचते हुए ने मारा होगा सर। दिव्यानी भी तो रीना की बहन है, वो रीना को क्यों मारेगी? सर वो सिर्फ नाम की मां थी। हम जब छोटे थे तब हमें नाना नानी के पास भेज दिया उसने। सिर्फ 17 साल में ना एक बार भी वो हमसे मिलने नहीं आई। ये तो जब साल 2002 में उनकी पैट्रिक के साथ शादी हुई ना तो अखबार में कुछ फोटोज देखे थे। उन फोटो को देख के नाना जी ने खत लिखना शुरू किया लेकिन एक बार भी जवाब नहीं दिया। नाना जी ने बहुत कोशिश की, जैसे भी हो कुछ तो हो, लेकिन नहीं। आखिर में नाना जी को सच बोलना पड़ा कि वो बूढ़े हो गए थे, रिटायर हो गए थे। हम तो बच्चों को वो कैसे पालेंगे? मुझे पैसों की जरूरत थी। तब इतने सालों के बाद तब जाके वो हमसे मिलने को तैयार हुई, साल 2005 में, लेकिन पंचकूला में दिल्ली में। Hi. Let me guess, तुम रीना हो और तुम मॉन्टी, करेक्ट? मैं तुम दोनों का खर्चा उठाने के लिए तैयार हूं लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं तुम दोनों की मां नहीं बहन हूं। लेकिन वो क्यों? तुम्हें पैसे चाहिए या नहीं? कूल, तुम दोनों चाहो तो मेरे साथ बेंगलुरु आ सकते हो वरना पंचकुला में भी रह सकते हो, व्हाटएवर यू वांट। मैं बेंगलुरु आना चाहती हूँ। मैं पंचकुला ही रहूंगा। नाना नानी का ख्याल रखने के लिए कोई नहीं है ना? ठीक है मॉन्टी, मैं तुम्हें 50,000 रुपया महीने का दूंगी, तुम्हारे लिए और नाना नानी के लिए, ठीक है? लेकिन याद रखना मैं तुम दोनों की माँ नहीं बहन हूँ। जब तुम लोगों की सारी बात हो गई थी फिर देवयानी ने तुम्हें मारने की कोशिश क्यों की? सर वादा तो कर दिया कि वो हर महीने मुझे 50,000 दे देगी, लेकिन सर कुछ महीनों के बाद ही ना ये वादा उसे बहुत भारी पड़ने लगी। वो मुझे पैसे नहीं देना चाहती थी और इसीलिए 2009 में उसने मुझे बैंगलोर बुलाया अपने घर पर। हाय मोंटी, अभी मैं ऑफिस जा रही हूँ, तुम ही आराम से बैठो, जो भी खाना है ना सर्वेंट को बोल देना, जो भी करना है करना, ओके? रिलैक्स, फील इट होम। और दिस फॉर यू, रैमिंग लार्ज। चीयर्स, एंजॉय योर सेल्फ, ओके? डोंट फील शाय, ठीक है? बाय, सी या। ले गई थी वो तुम्हें? रिहैब सेंटर। सर वहां पे ना बड़े अजीब अजीब किस्म के लोग थे, मुझे तो हर पल यही डर लगता था कि कहीं वो मुझे मरवा ना दे, इसलिए मैं वहां से भाग के वापस पंचकुला आ गया। तो तुम्हारे पीछे नहीं आई? नहीं। फिर तुम इतना दावे के साथ कैसे कह सकते हो कि देवयानी ने ही रीना को मारा है? सर क्योंकि वो रीना को मारने के बाद मुझे मारने की प्लानिंग कर रही थी, मुझे उसने फिर से अपने बैंगलोर वाले घर बुलाया। 24 अप्रैल की शाम को जब मैं वहां पे पहुंचा। हाय मोंटी, ऑल ओके? मैं अभी आई। मोंटी, ड्रिंक फॉर यू। चीयर्स।
तुम पियो, मैं अभी आती हूँ. ओके. सर, ग्लास को हाथ में लेते ही मुझे याद आ गया कि पिछली बार भी ड्रिंक की वजह से मैं बेहोश हो गया था, जबकि मैंने ज्यादा पिया भी नहीं था. मैं डर गया, मुझे लगा कि वो फिर से मेरे साथ वैसा ही कुछ करेगी, इसलिए मैं रूम में चला गया और रूम अंदर से लॉक कर दिया. और फिर सुबह को 5 बजे के आसपास जैसे ही मुझे मौका दिखा, मैं वहां से भाग निकला. और उसी दिन मैं वापस पंचकूला आ गया. सर, मुझे आज भी लग रहा है कि वहां जरूर कुछ ना कुछ खौफनाक हुआ होगा. मुझे सही लग रहा है, शायद वो दूसरा सूटकेस तेरे लिए ही था. इन 3 सालों में तूने रीना कहाँ है पता करने की कोशिश नहीं की? सर, माना कि रीना और मैं भाई बहन है, लेकिन सर हम इतने क्लोज नहीं थे. हम दोनों अपनी अपनी दुनिया में रहते थे, एक ही छत के नीचे रहने के बावजूद हमारी इतनी बातचीत भी नहीं होती थी. मोंटी कह रहा है कि तुम लोगों ने उसे भी मारने की कोशिश की थी. दिव्यानी, मोंटी और रीना दोनों से छुटकारा पाना चाहती थी, इसलिए हमने 2 सूटकेसेस खरीदे. हम रीना को मार चुके थे और हमें मोंटी को मारना था. इसी बीच मोंटी का फोन आया कि वो घर पर आ चुका है. हम मोंटी को मारने के लिए दिव्यानी के घर पहुंचे, लेकिन जब हमने वहां पर मोंटी को देखा तो वो बहुत मोटा था, करीब 100 किलो का था. इतने मोटे आदमी को मारकर सूटकेस में डालकर उसकी लाश को ठिकाने लगाना बहुत मुश्किल काम था. उसके बाद मोंटी ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया और वो कमरे से बाहर नहीं आ रहा था. हमने बहुत कोशिश की उसे बाहर लाने की. हम डर गए, हमें लगा कि अगर रोहन घर पर आ जाएगा और हमें मोंटी को मारता हुआ देख लेगा तो हम पकड़े जाएंगे. इस डर से हमने आइडिया ड्रॉप कर दिया. अगले दिन सुबह जब हम कमरे में आए तो हमने देखा कि मोंटी कमरे से भाग गया है. तो जब तुम मोंटी को नहीं मार पाए, देवयानी का तो दिल ही टूट गया होगा ना? पैट्रिक बहुत पैसे वाला था और अगर राजीव, सुरेश और रोहन की माने तो इसी वजह से देवयानी ने पैट्रिक से शादी की. लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अगर वाकई में रीना देवयानी की बेटी थी तो पैट्रिक देवयानी की हर बात को इतने सालों तक सच कैसे मानता रहा? पैट्रिक बैनर्जी को बुलाओ. सर. ओके सर. देवयानी के असिस्टेंट आइए, पायल. ये रीना का इस्तीफा तुमने उसके ऑफिस में दिया था? हाँ सर. वो रेजिग्नेशन लेटर रीना ने खुद तुम्हारे हाथ में दिया था? नो सर, देवयानी मैडम का फोन आया था मुझे. उन्होंने कहा कि उनका प्रिंटर काम नहीं कर रहा है, तो मैं रीना के नाम का रेजिग्नेशन लेटर टाइप करके प्रिंट ले आऊं उनके घर. और मैंने फिर वैसे ही किया और उन्होंने मुझे घर पे थोड़ी देर वेट करने को कहा. और जब वो वापस आई तो उनके हाथ में एक लैपटॉप का बैग और एक एनवेलप था और उन्होंने मुझे कहा कि ये मैं मेट्रोरियल ऑफिस दे आऊं. और मैंने वैसे ही किया, मैंने जाके वहां दिया. तुम्हें रीना की गुमशुदगी के बारे में कुछ पता था? नहीं सर, मैंने तो अभी न्यूज़पेपर पढ़ा. दिव्यानी मैडम ने मुझे उस वक्त कहा था कि वो आगे की पढ़ाई करने US गई है. What the hell, officer? आप होश में तो हैं? Murder and me? देखिए, इस मर्डर से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है. And I cannot believe कि देवयानी ऐसा कुछ कर सकती है. You understand that? और अगर मैं ये साबित कर दूं कि आपकी पत्नी आपकी पीठ पीछे राजीव के साथ अफेयर चला रही थी तो सर, माइंड योर लैंग्वेज ऑफिसर. आपका दिमाग ठीक है? Do you know that I can sue you for defamation for this? Relax, Mr. Banerjee. ये देखिए, ये उनके होटल के बिल्स और ये उनके कॉल डिटेल्स. सीट फॉर योरसेल्फ. दिव्यानी ने मुझसे कहा था कि वो खुराना से कभी कभी मिलती है क्योंकि वो विनी के डैड है, पर मेरी पीठ के पीछे उसके साथ वक्त गुजारती रही. एक बार भी शक नहीं हुआ? मतलब जब आपके बेटे ने उसके रीना के साथ के रिश्तों के बारे में बताया तब भी नहीं? वो मेरी वाइफ है ऑफिसर, 10 साल से वो मेरे साथ है. इतना वक्त तो मैंने अपने बेटे के साथ नहीं गुजारा जितना, और उसने मुझे कभी शिकायत का मौका ही नहीं दिया.
उसने मेरी हर जरूरत को मेरी हर जरूरत का उसने ख्याल रखा था। इतना प्यार, ट्रस्ट मी ऑफिसर, मैंने देवयानी जैसी औरत आज तक नहीं देखी। यू नो शी वाज अ परफेक्ट मिक्स ऑफ ब्यूटी एंड ब्रेन। जितनी खूबसूरत थी ना उतनी ही समझदार भी थी, और उसकी जिंदगी कुछ आसान नहीं रही ऑफिसर। बहुत टफ टाइम्स झेले हैं उसने, पर उसके बावजूद अपनी फैमिली के लिए और मेरे लिए उसके पास पूरा वक्त था, और वो मेरे लिए कुछ भी कर सकती थी। आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग पैट्रिक, ऐसा लगता है सारा घर मेरे अगेंस्ट हो गया है। मेरी बहन जिसे मैं बच्चे की तरह प्यार करती हूँ, आई नो वो जानबूझ के रोहन के साथ अफेयर कर रही है, और एक तरफ मेरा भाई पूरा दिन नशे में धुत रहता है। मुझे उसे रिहैब सेंटर में एडमिट करवाना पड़ा। हाउ मच आई डू फॉर देम ताकि उन्हें हैप्पीनेस मिले, लग्जरी मिले। दे गेट ऑल द लग्जरी एंड व्हाट डू आई गेट? दिस। आई कांट सी यू सैड। मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकता। सो आई टेल यू व्हाट, यू टेक द डे ऑफ, गो टू द पार्लर एंड द इजी, मैं तुम्हें एक अच्छे से डिनर के लिए लेके जाऊंगा। आई विश आई कुड डू दैट। वैसे भी मैं जब तुम्हारे पास होती हूँ तो रिलैक्स होती हूँ। इनफैक्ट मेरे फ्रेंड्स ने मुझे वॉर्न भी किया, पर मुझे उसमें ऐसा कुछ दिखाई नहीं। रीना के गायब हो जाने के बाद भी उसने मुझसे सिर्फ यही कहा कि रोहन की वजह से वो यूएस चली गई है। उसने मुझे रीना का इंटरनेट पेज भी दिखाया जहां वो कैंपस में दिवाली मना रही है, तो शक का तो सवाल ही नहीं उठता था ऑफिसर। आई कांट बिलीव दिस, दिस इज ये पैट्रिक बैनर्जी या तो खुद बेवकूफ है या हमें बेवकूफ बना रहा है। एक काम करो, जनवरी 2012 से अब तक के इसके सारे कॉल रिकॉर्ड्स निकाल लो। ओके सर। देवयानी पर शक गहराता जा रहा था। इस केस से जुड़े हर आदमी के बयान में देवयानी का जिक्र था, लेकिन देवयानी वो अपने बयान पर अड़ी हुई थी। एक मिनट, आज उस चेयर पे नहीं, अब इस चेयर पे बैठी है, शायद आप सच बोल दें। आज आपको इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आपका झूठ पकड़ा गया ना। रियली? तो आप ही बता दीजिए कैसे। रीना को मारने के बाद आपको रोहन के अलावा ऐसा कोई ज्यादा खतरा था नहीं, लेकिन आप तब फंस गई जब मेट्रो रेल के ऑफिस से रीना के लिए कॉल्स और मैसेजेस आने लगे। उनसे तो आपने ये भी कह दिया कि वो नौकरी छोड़ के यूएस चली गई, लेकिन उसके बाद रीना के ऑफिस में रेजिग्नेशन भेजने के लिए आपने उसका मेल आईडी एक्सेस करने की कोशिश की। पासवर्ड ना होने की वजह से ईमेल कंपनी से पासवर्ड लेने के लिए आपने उनको एक अमाउंट चुकाई जो आपने अपने क्रेडिट कार्ड से चुकाई। ये देखिए, ये सिग्नेचर एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट, लेकिन बात बनी नहीं। फिर आपने रीना के जाली दस्तखत किए। अब मुझे ये बताइए, अगर रीना जिंदा थी तो आपको ये सब करने की जरूरत क्या पड़ी? जब यहां तक की कहानी आपने बताई है तो आगे की कहानी भी आप ही बता दीजिए। बिल्कुल मैं बताऊंगा। रीना और मोंटी के ब्लैकमेलिंग से अब तंग आ गई थी। आप जानती थी कि अगर उनका राज सामने आ गया तो आपकी ये इज्जत, शान और शौकत सब खत्म, और ऊपर से आपके करंट पति मिस्टर पैट्रिक बैनर्जी, उनको हमेशा ड्रिंक करने की आदत है, तो आप ये भी समझती हैं कि वो कुछ ज्यादा दिन तक जीने वाले हैं नहीं। तो उनके बाद उनकी सारी प्रॉपर्टी, सारी मिल्कियत आपकी और आपकी बेटी विनी की। अब देखा जाए तो रीना और मोंटी भी आप ही के बच्चे हैं, लेकिन उनके लिए आपके अंदर कोई फीलिंग नहीं थी, वो आपके लिए एक बोझ थे, गलती थे। लेकिन विनी को आप असल में दिल से प्यार करती थी। अब हुआ क्या, रीना की वजह से आपको आपकी प्लानिंग खराब होती हुई नजर आई, और ऊपर से उसका अफेयर हो गया आप ही के सौतेले बेटे रोहन के साथ। तो आपने तय किया कि मोंटी और रीना को रास्ते से हटाना है, और इसमें आपका साथ दिया सुरेश और राजीव ने। आपने सोचा होगा कि रीना को गोली मार देते हैं,
इसलिए शायद आपने वो पिस्टल भी खरीदी जो बाद में आपने सुरेश को दे दी, लेकिन बाद में आपने रीना को गला घोंट के मार दिया, और शायद मोंटी को भी आप वैसे ही मारने वाली थी। इससे फनी कहानी मैंने अपनी लाइफ में नहीं सुनी ऑफिसर। आई मस्ट टेल यू ऑफिसर, आपको पुलिस ऑफिसर नहीं स्क्रिप्ट राइटर होना चाहिए, और आपको एक्टर होना चाहिए। वो क्या है ना, वो अच्छे एक्टर्स मिलते नहीं है आजकल। वैसे आपको मेरी कहानी अगर पसंद नहीं आई, मैं किसी और को बुलाता हूँ, देखते हैं वो क्या कहता है। बोलो। हाँ भाई, 24 अप्रैल को क्या हुआ था, थे ना वहाँ पे? सर वो राजीव सर उस दिन दोपहर में ही दिल्ली से आ गए थे और होटल हिल व्यू में रुके थे। मैंने एक कार रेंट पे लिया और मैडम को और राजीव सर को साथ लेकर रीना के कॉलेज गया। थोड़ी देर इंतज़ार करने के बाद रीना रोहन के साथ कार में आई। जब उसने राजीव सर को देखा तो हैरान हो गई। हेलो, ये कौन है? और आपकी गाड़ी में? नथिंग इज माय फ्रेंड, ये रीना। हाय रीना। लेकिन मैडम के कहने पे वो गाड़ी में बैठ गई। मैडम ने उसे पानी पीने को दिया कार में, लेकिन उन्होंने पहले से ही उसमें बेहोशी की दवा मिला दी थी। तुम्हें प्यास लगी होगी ना, ये लो पानी पी लो। थैंक यू। कितनी प्यास लगी उसे। अमन सेक, हेलो। हाँ हम लोग पहुंच रहे हैं, तुम आराम करो। ओके बाय। अरे सुरेश सुरेश, वहां रुको जरा, साड़ी की दुकान के पास। ओके मैडम। आज मेरी डॉल के लिए अच्छी सी साड़ी खरीदते। मैंने इसे कभी साड़ी में नहीं देखा। तुम इसे ले जाकर शॉपिंग कराओ, मैं कार के पास ही वेट करता हूँ। मोंटी घर में आ गए, इसका काम हमें गाड़ी में करना है। ठीक है ठीक है। रीना आ रही, अच्छी सी साड़ी दिखाना मेरी प्यारी सी बहन के लिए। नाइस, अच्छा कलर है ना। दिस इज ब्यूटीफुल। क्या हुआ? नो आई एम फाइन, आई थिंक थकान हो रही है थोड़ी सी बस। एक काम करते हैं, घर चलते हैं। थैंक यू, नेक्स्ट टाइम आएंगे। कम मैडम और राजीव सर ने मोंटी को मारने का प्लान बदल लिया था, क्योंकि वो बहुत मोटा हो गया था।
एक साथ दो लाश को ठिकाने लगाना मुश्किल था। मैडम ने बोला कि जाने दो, चर्सी है, बाद में देख लेंगे। मुझे भी कहा कि गाड़ी में थोड़ी देर के लिए सो लो, क्योंकि थोड़ी देर में हम लोग निकलने वाले हैं। हम आ रहे हैं, तुम तैयार हो, ओके? चलिए, कम। सुनो, वाइट फील्ड चलो। ये जगह ठीक है, बैग निकालो। वहां जाकर जला दो। फिर हम सब वापस आ गए। मैडम अपने घर चली गई और राजीव सर होटल। दूसरे दिन मैंने राजीव सर को एयरपोर्ट ड्रॉप किया। जब मैंने उनसे मोंटी के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि भाग गया। ठीक है, लेके जाओ इसको। देवयानी जी, अब भी अपने बचाव में कुछ कहना बाकी है आपको? पुलिस महीनों तक देवयानी बैनर्जी से रीना अरोड़ा मर्डर केस में उसके इन्वॉल्वमेंट को लेकर पूछताछ करती रही, लेकिन सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस और गवाहों के बावजूद देवयानी अपने बेगुनाह होने के बयान पर अड़ी रही। दूसरी तरफ पैट्रिक पर भी पुलिस का शक गहराता जा रहा था। पुलिस को यह बात बहुत अजीब लग रही थी कि पैट्रिक को रीना की गुमशुदगी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। क्या पैट्रिक वाकई सबसे अनजान था? क्या है ये? मुझे क्या पता ये क्या है? मैं समझा देता हूँ ये क्या है। रीना के मर्डर से 3 महीने पहले व्हाइट फील्ड में ठीक उसी जगह आप गए थे जहाँ उसकी लाश को जलाया गया था, और वो दूसरी जगह बेंगलोर मैसूर हाईवे, ये वही जगह है जिसे देखने के लिए देवयानी और सुरेश भी गए थे। मुझे वहाँ पे एक ज़मीन पसंद आई थी, खरीदनी थी, इसलिए मैं अपने दोस्तों के साथ उधर गया था। क्या बुरा है इसमें? रीना के मर्डर से पहले आपकी फोन पे देवयानी से 50 मिनट तक बात हुई, और उसके मर्डर के 2 घंटे बाद आपने देवयानी के साथ 40 मिनट तक बात की। क्या बात हुई? कम ऑन ऑफिसर, वो मेरी वाइफ है। दिन में 10 बार हम लोग बातें करते हैं, उस दिन हमारे बीच में क्या बात हुई थी मुझे कैसे याद रहेगा? आपकी शादी से अब तक आप दोनों के बीच 20 मिनट से ज्यादा बात कभी हुई नहीं, फिर उस दिन अचानक क्या प्यार उमड़ रहा था दोनों के बीच? वैसे ये साबित तो नहीं होता ना कि मैं इस मर्डर में इन्वॉल्व था। टेल मी। सुरेश सरकारी गवाह बन चुका है, और उसके बयान के आधार पर पुलिस ने देवयानी और राजीव के खिलाफ आईपीसी की धारा 120B और 302 के तहत चार्जशीट फाइल की है। पुलिस सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के आधार पर पैट्रिक को भी अरेस्ट कर चुकी है, और इस केस में उसकी भूमिका की जांच जारी है। कहते हैं कि वक्त की धूल के नीचे सच झूठ सब कुछ दब जाता है, लेकिन गुनाह वो कभी ना कभी सामने आ ही जाता है, और यहां इतना बड़ा अपराध एक कांस्टेबल की सतर्कता की वजह से पूरी दुनिया के सामने आया था। इस केस ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था, और सबको यह भी समझ में आ गया था कि कानून के आगे पैसा, पावर, पोजिशन कुछ नहीं चलता। इसी विचार के साथ मैं अनूप सोनी अब आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100 सवा के एक को। सीख हम सबको। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।